दोस्तों, यदि आप गर्मी से बहुत परेशान हो रहे हैं तो इस स्टॉल पे आइए। सीताराम जी केसरिया कुल्फी वाले, ये सीताराम जी हैं केसरिया कुल्फी वाले। इन्होंने टी शर्ट भी केसरिया ही पहना है और इनका चेहरा भी केसरिया की तरह खिल रहा है। और भाई साहब, आपकी मूछें और आपका गेटअप तो बहुत ही शानदार है और आपका कुल्फी भी शानदार होगा। तो कुल्फी में आप क्या खिलाते हैं? कुल्फी फालूदा है सर, रबड़ी कुल्फी फालूदा है, पान कुल्फी है, शुगर फ्री है, रबड़ी है। अच्छा, मुझे जरा एक बार नज़ारा दिखाइए आपके मटके का। अच्छा, इसमें तो आई सी आई। चलिए, अच्छा होगा ये लखनऊ में जैसा फालूदा और कुल्फी के साथ मिलता वैसा ही है क्या? पटना में आप कहाँ और कहीं भी बेचते हैं? मौर्या कॉम्प्लेक्स में। तो मौर्या में जी भैया, टाइटन आई प्लस के पास और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास। नाम तो आपका? जी सर, नाम आपका ही है, ये सीताराम। चले, जय सीताराम जी। आपको अब लेके चल रहे हैं बिहार की राजधानी पटना के शानदार लोकेशन और एक नए टूरिस्ट पॉइंट मरीन ड्राइव। राजीव रंजन एंड यू आर वॉचिंग राजीव मिरर। ऐसे लोकेशन पे आए हैं जहां आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये जो लोकेशन है बिहार की राजधानी पटना का एक खूबसूरत लोकेशन, एक न्यू टूरिस्ट पॉइंट जिसका नाम है मरीन ड्राइव। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, मरीन ड्राइव। एक मरीन ड्राइव मुंबई में हुआ करता है और एक देश का दूसरा मरीन ड्राइव पटना में ईजाद हुआ है। और ये मरीन ड्राइव के नाम से लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ का सुंदर खूबसूरत नज़ारा अब आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, पीछे जो बैकड्रॉप में ये पुल नज़र आ रहा है, ये पुल कितना खूबसूरत है, इसे बारीकी से आप देखेंगे। इसे मैं जूम करके थोड़ी देर में दिखाऊंगा आगे जब उसके पास जाएंगे। तो इस पुल पे देखिए, ऊपर में रोड है और नीचे में रेलवे ट्रैक है और दोनों के बीच जब ट्रेन जो गुजरती है ना, और नीचे नदी, वाओ कितना अद्भुत नज़ारा है। एक ऐसा एहसास आप देख के दंग रह जाएंगे। आज हमारा दुर्भाग्य है कि आज बादल सा छाया हुआ है, हालांकि ये भी बड़ा खुशनुमा जैसा मौसम लग रहा है, बट धूप होता है यहाँ पे तो शायद सनसेट का नज़ारा और भी शानदार होता है। हर मौसम का अपना अपना लुत्फ है। ये भी एक अलग मज़ा दे रहा है, हवा बड़ी अच्छी से चल रही है, मीठी मीठी, और गर्मी का एहसास आज बिल्कुल नहीं है। कल भी हम यहाँ पे आए थे देखने के लिए कौन सा लोकेशन है और फिर सोचा था कि चलो, किसी मुंबई शहर का दृश्य नहीं है, ये बिहार की राजधानी पटना का एक बहुत ही खूबसूरत नायाब लोकेशन जो एक नया टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। आप यहाँ की भीड़ को आप देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस कदर यहाँ पे पॉपुलर हो रहा है। सारे लोग यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब यदि यहाँ पे स्टॉल्स को आप देखेंगे तो यहाँ पे जूहू चौपाटी का नज़ारा आपको मिलेगा। थोड़ा सा आप दूर जाएंगे, पुल के करीब जाएंगे तो आपको मरीन ड्राइव का नज़ारा मिलेगा। तो टू इन वन है, यहाँ बहुत ही मज़ेदार दृश्य है। खाने पीने की जो है कोई कमी नहीं, यहाँ पे तरह तरह के व्यंजन आपको खाने को मिल जाएंगे। और देखिए, एक से एक नए नए स्टॉल्स यहाँ पे लग रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पे बिल्कुल चौपाटी की तरह बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टॉल्स लगे होंगे और आप खाने का लुत्फ उठाएंगे बड़ा ही खूबसूरत अंदाज। और मैं आपको दिखा दूं, ये पुल और ये भव्य दृश्य गंगा नदी का, जैसा कि आप जानते होंगे कि पटना गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है और यहाँ की गंगा काफ़ी भव्य है और काफ़ी ब्रॉड है। आप ये देख सकते हैं कि कितना दूर है किनारा हमारा, वहाँ तो पास जा नहीं सकते हैं, बट
जब यहाँ पे ये पत्थर जो आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे बढ़ के वहाँ जाएगा तो शायद वहाँ पे लोग जा सकेंगे। अभी थोड़ा सा रिस्की है, एक्सीडेंटल चांसेस ज़्यादा है वहाँ तक पहुँचने का, इसलिए मैं डेयर नहीं कर रहा हूँ, बट एक डेयर मैं करने वाला हूँ दोस्तों। हाँ, ये जो आप पुल देख रहे हैं, चलती हुई ट्रेन का टॉप शूट जो है मैं आपको दिखाऊँगा, और हो सके तो ड्रोन शॉट भी दिखाऊँगा कवरेज की। क्या खूबसूरत नज़ारा होता है जब ट्रेन नीचे चलती है और उसके ऊपर रोड पर कार्स चलते हैं। यहाँ पे तरह तरह के स्टॉल्स हैं, यहाँ आपके सामने गोला गोला, यहाँ पे आपको बहुत गर्मी लग रही हो, अपने गले की प्यास बुझाना चाहते हैं तो टेस्टी गोला और गोला के साथ अपनी प्यास बुझा सकते हैं, और यदि आपकी भूख बहुत सता रही हो तो पास ही यहाँ पे एक भाई साहब तैयारी में है, पता नहीं कौन सा स्टॉल है, पता नहीं चल पा रहा है, और आगे चल के दिखाएंगे कि कितने तरह के स्टॉल्स हैं, कौन कौन से व्यंजन यहाँ पर मिल रहे हैं। बस ये है कि आप शाम में आइए और मस्त खा पी के जाइए और आराम से एंजॉय कीजिए, बैठ का मज़ा लीजिए, खाने की ज़रूरत नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे इतने छोटे छोटे व्यंजन मिल जाएंगे, खा खा के आपका पेट जो है बिल्कुल फूल के पकौड़ा हो जाएगा। हाँ भाई, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आके यहाँ के मज़े उठा रहे हैं, कुछ खाते हुए, कुछ गंगा को निहारते हुए, तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और ये पूछते हैं कि यहाँ का दृश्य और यहाँ का जो लोकेशन है कैसा लग रहा है, यहाँ के कैसा फील कर रहे हैं। चलिए आइए कुछ लोगों से मिलते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं लोगों के फीलिंग से। तो दोस्तों आइए चलते हैं। और सर आपका शुभ नाम? और यहाँ पे आप पहली बार आ रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? क्या अच्छा लग रहा है बॉम्बे में? वाह, देखिए मैंने कहा था ना यहाँ पे आपको बॉम्बे की कमी पूरी मिलेगी। बॉम्बे यदि आप नहीं गए हैं तो आप यहाँ आ जाइए, लगेगा कि मैं मुंबई में हूँ। यदि आप मरीन ड्राइव और जूहू चौपाटी का नज़ारा लेना चाहते हैं, भाई साहब आपके हाथ में देख रहा हूँ कुछ, आप छिपा रहे हैं क्या कर रहे हैं? अरे वाह, ये तो बड़ी चटपटी चीज़ है, इसे आप छिपा कर रहे हैं, खाइए आप। अच्छा नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये तो भाई भुट्टे है, इसमें नींबू और मिर्चा लग नहीं रहा है, लगा हुआ है। चलिए चलिए सर, एंजॉय कीजिए, होप कि आपका ये आज की शाम जो है बहुत ही शानदार हो। और चलिए मैडम से ही बात करते हैं, और गुड इवनिंग मैडम, और आप भी पहली बार आई हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपका? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है मैडम? यहाँ का क्या बात कही है मैडम ने, ये बात बिल्कुल सही कहा, बारिश और ये भुट्टे का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है, यदि बारिश हो जाए तो वाकई इस भुट्टे का मजा आ जाएगा, और भुट्टे का दाम भी जो है डबल ना हो जाए बारिश आने पे। तो बहुत सुना कि यहाँ का भुट्टा बड़ा ही टेस्टी होता है, चलिए मैं भी एंजॉय करता हूँ भुट्टा बगैर बारिश के, हे भगवान बारिश दे दे भुट्टे का मज़ा कुछ ले लूँ। वाह वाकई नींबू नमक और मिर्ची का वो तीखापन, ओहो क्या बात है, ये भुट्टा है, आप भी खाइए और मज़े लीजिए। बहुत सारे स्टॉल्स हैं, एक ये भी एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिकल स्टॉल है, आप देखिए कैमरा मैन प्लीज़ इसको जूम कीजिए, और ये देखिए नागिन म्यूजिक के साथ पॉपकॉर्न का मजा आता है। चार से पाँच छः बजे भी आते हैं, और ठंडा रहने के बाद और सौ बजे आते हैं, तीन बजे मतलब दो तीन घंटा आप गुजार लेते हैं जी, तो सेल हो जाता है बढ़िया जी, मिला जुला कर हो जाता है। बहुत अच्छा है, भगवान करे आपका सेल डे बाई डे बढ़ता जाए और यहाँ पर लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा आते रहें। भाइयों का ढाबा, अरे भाई ये हम सबों का ढाबा है, पता नहीं यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, जरा आते हैं स्टॉल वाले से बात करते हैं। भाई साहब ये जो आपने जो नाम डाला है ना भाइयों का ढाबा, तो क्या ये सारे भाइयों के लिए है, बहनों के लिए नहीं है क्या? बहनों के लिए भी है। नाम आपका बड़ा यूनिक है, शानदार नाम है, शायद आज आपकी ओपनिंग होने वाली है, ओपनिंग हो चुकी है, अभी आज का ओपनिंग आ गया। तो आप यहाँ पे क्या क्या बेचते हैं? यहाँ पे वेज नूडल्स होगा, अच्छा मोमोज होगा, रोल्स होगा,
कैसा लग रहा है यहाँ पे? कमाई हो रही है? अच्छी हो रही है, अभी सावन के वजह से डाउन है। अच्छा सावन, फिर बाद में नॉन वेज का मजा। बंद है और सावन में बारिश ने भी धोखा दे दिया। बारिश होती तो शायद आपका तेल बढ़ जाता। खैर हो सकता है सावन तो धोखा दे गया, भादो शायद कुछ अच्छा कर जाए और आपका तेल भी बढ़ जाए। इसी विशेष के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका शॉप महाराष्ट्र का फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। और ये होम मेड गो वड़ा, नाम है गो वड़ा, इसमें थोड़ा फोकस कीजिए। और ये एक फील दे रहा है कि ये एजुकेटेड शॉप दिख रहा है, लोग बाग भी एजुकेटेड दिख रहे हैं यहाँ पे। और अब बात करते हैं सर से कि आप लोग कहाँ पे हैं? सर कुंडली से। अच्छा आप बिहार से ही हैं? चलिए अच्छा, मुझे लगा कि महाराष्ट्र से आया है। तो ये वड़ा पाव के साथ साथ और क्या क्या बनाते हैं सर? वड़ा पाव के साथ खोआ होता है। अच्छा अच्छा, ये तीन आइटम होते हैं। और यहाँ पे सर क्या पकड़ा है ये? थोड़ा सर इसी को थोड़ा गर्म किया जाता है। अच्छा, वड़ा करके हम यहाँ देते हैं। थोड़ा सा मुझे दिखाइए इसका, लुक दीजिए लुक। अच्छा ये वड़ा है आपका? जी सर। पाव में डालेंगे इसको? चलिए सर, टेस्ट करके जाइए। बिल्कुल नहीं, ठीक है सर, हम लोग ब्लॉग फिनिश करके खाएंगे, जरूर आएंगे और पे करके ही खाएंगे सर। मुझे लग रहा है कि सर आप लोग एक तरह से जो है एडवर्टीजमेंट के दौर में चल रहे हैं ना जी। आपका शॉप कहीं और भी है? हमारा अभी लॉन्च होने वाला है एक रांची में। अच्छा रांची जी, ऐसा लग रहा है। चलिए विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका गो वड़ा जो है हमारा गो वड़ा पूरे पटना में पॉपुलर हो। गो वड़ा .in करके हमारा वेबसाइट भी है, लॉग इन है विजिट। तो इसके ऑनर आप हैं? हम सारे लोग मिलकर के वीर कुपन। अच्छा ग्रुप है। अच्छा तो अभी आपका कहाँ कहाँ है? अभी हमारा यहाँ पे तो एक है। अच्छा। एक रांची में हम लोगों ने सेट करने का मतलब ऑलमोस्ट डन है। तो वी आर गोइंग टू लॉन्च वेरी सून एंड एंड अगेन वी आर गोइंग टू लॉन्च इन सारा। आप महाराष्ट्र किसी जो है कवर कर रहे हैं वड़ा पाव? चलिए अच्छा है, ऑथेंटिक वड़ा पाव वी आर ट्राइंग टू सर्व इन बिहार। देखिए मुंबई में सब जगह जो है, देखिए MBA चाय वाले आप लोग भी एजुकेटेड लग रहे हैं। गो वड़ा नाम यूनिक है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका ये गो वड़ा काफ़ी ग्रो करे और अच्छा सेल हो, टारगेट आपका अचीव। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर गिविंग। विजिट अगेन। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो डालूंगा गूगल पे रिव्यू डालूंगा, थैंक्स डालूंगा ट्रोन की साइट पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा ब्लॉक कर लेते हैं, अंधेरा हो जाएगा। अच्छा लगता है, मतलब मन नहीं भरता है ना यहाँ पे, नया जगह ही ऐसा है, यूनिक चीज है। हाँ इसमें नया है, उधर गंगा जी है, सब गंगा के साथ ये फूल तो फूल है और भी खूबसूरत है। गंगा जी का ऐसे ही भव्य हो गया। और सर आप अकेले आए कि विद फैमिली आए? नहीं नहीं, हम लोग अकेले अकेले। फैमिली को भी लाया कीजिए सर, घुमाया कीजिए। हाँ, बच्चे लोग काफ़ी खुश होंगे। वीकेंड है, सैटरडे है, कल संडे है, कल लेके आइए। बच्चे लोगों को बहुत मजा आएगा, है ना? आप भी खिलाइए पिलाइए बस। थैंक यू, खिलाइए करूँगा बस थोड़ा सा। देखिए ये govada.in के एक एम्प्लॉई हैं और बड़े ही दिलचस्पी के साथ ये तैयार कर रहे हैं। इसको जूम कीजिएगा, ये वड़ा पाव तैयार किया जा रहा है। ये पाव है, इसमें चटनी लगाई जा रही है। और ये क्या है सर? सर ये सिंग दाना और ड्राई फ्रूट की चटनी। अच्छा ये सिंग दाना और ड्राई फ्रूट की चटनी है। सिंग दाना जिसे मूंगफली भी कहते हैं। हाँ मूंगफली भी है ना, ये एक हिडन रेसिपी भी होता है, बहुत लोग सेक्रेटली इसको नहीं भी बताते हैं, बट इन्होंने बता दिया। ये बड़े ही ऑनेस्ट जो है दुकान वाले हैं। और ये देख के अच्छा लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, प्रेजेंटेशन बढ़िया है, खाने में भी अच्छा होना चाहिए। और ये इधर वड़ा है, तो आप सारे लोगों से अपील है, हमारा कोई इनसे कोई रिश्ता नहीं है, बस एक फ्रेंडली मैं बता रहा हूँ। देख के अच्छा फील आ रहा है, मैंने खाया नहीं है बट ब्लॉग खत्म करके मैं खाऊँगा। तो आप लोगों से जो है विनती है कि ये govada.in पे जाएं और सारा डिटेल्स देखें। इनके ब्रांच रांची में भी हैं और डे बाय डे जो है इनका स्टोर बढ़ने वाला है। ये एक जस्ट एडवर्टीजमेंट के तौर पे यहाँ पे आए हैं इस मेले में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान सकें और ये ज़्यादा पॉपुलर हो सके। चलिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं कि आप आगे बढ़ें और बहुत आगे बढ़ें। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? अच्छा आप कहाँ से हैं? आप यहाँ पे पहली बार आई हैं? कैसा लग रहा है? आप अकेली आई हैं? अच्छा आप फैमिली के साथ आई हैं? ओह तो कितनी देर से हैं आप यहाँ? अच्छा क्या अच्छा लगा यहाँ? सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है यहाँ?
वड़ा पाव। अच्छा, ये तो खाने की चीज़ है, दिखने में क्या अट्रैक्टिव लग रहा है आपको, जिसकी वजह से लोग आते हैं यहाँ? खाना तो एक बहाना है, सब कुछ अच्छा लग रहा है ना। ओवरऑल मरीन ड्राइव का फीलिंग आ रहा है। मुंबई का मरीन ड्राइव आपने देखा है? नहीं देखा फोटो में। थैंक यू, वेरी गुड। आप पढ़ती हैं बाबू क्लास में? यहाँ भी क्या? अच्छा, अच्छे से पढ़िए और पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए, और ऐसे ही सैटरडे संडे को आइए और घूमिए फिरिए, खाइए और इनका वड़ा पाव जरूर खाइए, है ना। थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखिए मरीन ड्राइव पे बारिश का अद्भुत नज़ारा, बहुत मज़ा आ रहा है। वाह, अरे भैया कोई कैमरा मार देगा, उड़ जाएगा मेरा। ये देखिए क्या नज़ारा है, बहुत तेज बारिश। और ये देखिए पुल के नीचे गंगा जी, मस्त नज़ारा। ये है मरीन ड्राइव और बारिश। अरे यहाँ भी नहीं आए तो कहाँ जाएंगे सर, जरूर से आइए।